दोस्तों आज मैं ये एक छोटी सी अपडेट लेकर आया हूँ Xiaomi Q1 QLED टीवी के बारे में। और इस Mi QLED टीवी का एक और वेरिएंट आज लॉन्च कर दिया गया है अलोंग विद Mi 11 स्मार्टफोन। तो दोस्तों Xiaomi ने आज अपने लॉन्च इवेंट में Mi Q1 QLED टीवी का 75 इंच वेरिएंट यूरोप और अदर कंट्रीज में लॉन्च कर दिया है। और साथ ही ये भी अपडेट किया है कि जल्द ही ये 75 इंच वेरिएंट बाकी कंट्रीज में भी मार्च 2021 में लॉन्च हो जाएगा। और दोस्तों Mi TV Q1 का ये 75 इंच वेरिएंट कुछ खास फीचर्स और डिजाइन के साथ आता है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये अपने 55 इंच वेरिएंट से बिल्कुल अलग दिखता है विद अ सेंट्रल मेटल स्टैंड एंड मेटालिक फिनिश, जो कि इस टीवी के लुक्स को और भी ज्यादा बढ़ा देती है। साथ ही यहाँ पर आपको स्पेक्स भी पहले वाले वेरिएंट से काफी बेटर देखने को मिलेंगे। स्टार्टिंग विद द पैनल, तो यहाँ पर आपको एक 10-bit VA QLED पैनल देखने को मिलेगा विच सपोर्ट्स 120Hz ऑफ रिफ्रेश रेट विच इज ग्रेट फॉर गेमिंग लवर्स। साथ ही यहाँ पर आपको HDMI 2.1 का सपोर्ट भी देखने को मिलता है। साथ ही अगर हम बाकी रिपोर्ट्स की माने तो इस पैनल में आपको 1000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस देखने को मिलेगी, लेकिन इस कॉन्फ़िगरेशन को अभी तक Xiaomi ने ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया है। और इस पैनल में आपको 192 फुल एरे लोकल डिमिंग जोन्स का सपोर्ट दिया गया है, जिसकी मदद से यहाँ पर 10,000:1 का स्टैटिक कॉन्ट्रास्ट रेशियो अचीव किया जा सकता है। साथ ही ये पैनल 100% NTSC कलर गैमेट को सपोर्ट करता है फॉर ग्रेट कलर रिप्रोडक्शन। और पिक्चर एनहांसमेंट के लिए यहाँ पर आपको डॉल्बी विजन, HDR10+, HDR10, HLG और MEMC जैसी कुछ लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। और जहाँ तक बात है ऑडियोस की, तो यहाँ पर आपको 2 tweeters और 4 speaker वाला ऑडियो सिस्टम देखने को मिलेगा विच हैज ओवरऑल साउंड आउटपुट ऑफ अराउंड 30 watts, जो कि थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है कंसिडरिंग द करेंट मार्केट कॉम्पिटिशन। और ये Mi Q1 QLED टीवी 75 इंच वेरियंट एंड्रॉइड 10 OS के साथ आता है आउट ऑफ द बॉक्स विच सपोर्ट्स गूगल असिस्टेंट एंड क्रोम कास्ट। और यहाँ पर आपको एक माली GPU और क्वाड कोर 64-bit MediaTek 9611 CPU देखने को मिलेगा एट ए क्लॉक स्पीड ऑफ 1.5 GHz, विच इज अ वेरी फास्ट प्रोसेसर। तो दोस्तों Xiaomi Q1 TV 75 इंच वेरिएंट में पिक्चर क्वालिटी के मामले में हमें कुछ अच्छे अपग्रेड्स देखने को मिले, लाइक ओवरऑल पीक ब्राइटनेस, फुल एरे लोकल डिमिंग एंड 120Hz ऑफ रिफ्रेश रेट। लेकिन दोस्तों ऑडियो सिस्टम यहां पर थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है। और इन सब के साथ अगर हम एक नजर डालें इन टीवीज के प्राइस पर, तो Mi TV Q1 75 इंच वेरिएंट यूरोप में लॉन्च किया गया है अराउंड 1,299 यूरोस के प्राइस पर, विच इज इक्वल टू 1,14,000 इंडियन रुपीज। लेकिन इस टीवी का फर्स्ट डे अर्ली बर्ड ऑफर प्राइस है अराउंड 999 यूरोस का, विच इज इक्वल टू 88,000 इंडियन रुपीज। तो दोस्तों मेरे हिसाब से इस टीवी का प्राइस इंडियन मार्केट में और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, और मुझे नहीं लगता कि कोई भी इंडियन कस्टमर 90,000 के बजट रेंज में एक चाइनीज कंपनी का टीवी खरीदना चाहेगा, क्योंकि इस बजट रेंज में सोनी, LG और सैमसंग के काफी सारे मॉडल्स अवेलेबल हैं। और अगर आप स्क्रीन साइज में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं तो आपको इन ब्रांड के काफी अच्छे पिक्चर क्वालिटी वाले टीवीज मिल सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और इसी तरह के लेटेस्ट और ऑनेस्ट ज्ञान के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।